शिकायत का रजिस्टर मेरे सामने पड़ा है, तुम्हारे खिलाफ तो किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मतलब? मतलब साफ है भाई, तुम्हें अंदर कर दिया और बाहर तुम्हारे भाभी और भैया का मर्डर हो गया। लगता है कमिश्नर साहब ने इस काम में लंबाई हाथ मारा है। एक बात याद रखना कमिश्नर कपूर, कि आज मैं इस शमशान में खड़े होकर अपने भैया और भाभी की कसम खा के कहता हूं कि जब तक मैं उनके कातिलों की चिताओं को आग नहीं लगा देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे उसमें से एक चिता तुम्हारी क्यों ना हो। चंदन की लकड़ियां तो तुमने मुझे लाने के लिए कहा था और चिता अपने भैया और भाभी के जलाकर आए हो। यह सारा कसूर तुम्हारा है संजू, क्योंकि उस रोज तुमने केदारनाथ की आंखों में झांककर चंदन की लकड़ियों की बात की थी और यहां हमने तुम्हारे वंश का पेड़ ही जला दिया। इस जगह को जरा गौर से देखो संजू, यही कहीं तुम्हारे भाई और भाभी ने तड़प तड़प कर जान दी थी और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने वाला और कोई नहीं, यही सेठ केदारनाथ है। तुम तो अभी तक अपनी जैनी के साथ सुहाग रात नहीं मना सके, लेकिन मैंने वो रात तुम्हारी भाभी के साथ गुजारी थी। और ये रहा उसका सबूत, ये वही साड़ी है जिसका आंचल फैलाकर तुम्हारी भाभी मेरे पास आई थी तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगने। इसे तो मैं संभाल के रखूंगी और किसी खास मौके पर पहनूंगी। गलती दोबारा ना करना, अगर तूने एक हाथ मेरी तरफ उठाया तो वहां कई हाथ तेरी बीवी की इज्जत के ऊपर उठ जाएंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तेरी बीवी इस वक्त हमारे कब्जे में है। इस जगह को गौर से देख ले केदारनाथ, और उस जगह पर निशान लगा ले जहां मेरे भैया और भाभी ने दम तोड़ा था, क्योंकि मैं भी तुझे उसी जगह पर तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और अगर तुझे यकीन नहीं आता तो इस गाड़ी को देखकर अपनी मौत का अंदाजा लगा लेना। क्या बात है संजू? चली तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हेलो। तू अपनी बाजी खेल चुका है केदारनाथ, अब बाजी मेरी है। ना मैं तेरी तरह किसी को सुपारी दूंगा, ना ही सबूत मिटाऊंगा, बल्कि जिस दिन मैं तुम लोगों के नाम के मटके फोड़ूंगा ना, उस दिन इस शहर का बच्चा बच्चा बोलेगा, टपका रे टपका, एक और टपका। ये ले।
आज से हम सब तेरे साथ हैं। तेरे साथ हमने भाभी के हाथ की बनाई हुई रोटियां और भैया की डांट खाई हुई हैं। और जब रिश्ते की बात आई तो हम सौतेले हो गए। अभी नहीं, मुझे इंतजार है उस रात का जब सारी दुनिया उस रात का स्वागत करने के लिए बेचैन रहती है। उस रात मैं सेठ केदारनाथ को एक ऐसा तोहफा दूंगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जब जब वो रात आएगी, सेठ केदारनाथ अपने घर की दीवारों से अपना सर पटक पटक कर रोशनियों से भागेगा और वो रात होगी न्यू ईयर की रात। यहां तो कोई इंतजामी नहीं है, यह न्यू ईयर की शाम है या यहां किसी का मातम हो रहा है? अरे मैंने तो सोचा था कि यहां पार्टी चल रही होगी, हंगामा होगा, मेहमान होंगे, बैंड बाजा बज रहा होगा। भैया और भाभी का यह ख्वाब नहीं था संजू, यह तेरी मंजिल नहीं। काश इन लोगों ने मेरी बर्बादी का यह रास्ता नहीं चुना होता। किस तरह तुम्हारे बेटे की जिंदगी रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से फिसल गई। तुमने तो मुझे अनाथ बनाया था ना, लेकिन मैंने तुम्हें लावारिस बना दिया। लावारिस, जानते हो जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले कौन डूबता है? एक चूहा। और उसके बाद डूबता है जहाज का कप्तान। उस जहाज के कप्तान तुम हो, तुम। और तुम्हारा बेटा उस जहाज का पहला चूहा। Good luck and happy new year.